ऐसा लग रहा है करेले के साथ, मतलब जिसको करेला नहीं पसंद है ना वो भी करेला खाना शुरू कर दे इस रेसिपी को। ये खा रहा है मेरे मुंह में, सच बताऊं पानी आ रहा है। दोस्तों तो मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है, और ये रहे मेरे पति देव जी जो कि लगे हैं काम में, लैपटॉप में काम कर रहे हैं, और मैं भी काम ही कर रही थी। और अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, पूरे फ्री नहीं हुए हैं, थोड़ा बहुत काम बचा है जो कि मेरे पति देव निपटाएंगे। तो अब जाएंगे हम लोग खाना खाने, सुबह से हम लोग बहुत बिजी हैं। और मैं बता दूं कल रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ, मैं सोई ही नहीं हूँ। सुबह उठ के मिला तो कुछ मिनट के लिए सोई होंगी है जानू, आपको बोल के सोई थी या फिर आपने उठा दिया था? 5 o'clock है ना, 6 o'clock के अप्रोक्स। तो कुछ देर बाद ही, मतलब आधा घंटा सोई हूँ, कितना सोई मुझे नहीं पता, 15 मिनट आधा घंटा कितना सोई मुझे नहीं पता, फिर मतलब इतना ही सो के उठ गई हूँ। रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई हूँ क्योंकि मैं जुकाम की वजह से अभी ना बोल भी नहीं पा रही, बोल रही ना तो मैं रह रह के मतलब कि इतना कफ भरा हुआ है तो बात भी नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा हो रहा है। और मैं बता दूँ कल मैंने आप लोगों को बोला था कि क्या कहते हैं मैं रात को इतना आइटम क्यों बनाती हूँ, तो यही वजह है कि दोस्तों हम लोग सुबह से इतने बिजी होते हैं, हम दोनों इतने बिजी होते हैं, हम दोनों अपने काम में लगे हुए होते हैं, इनका भी अपना ये अपने पर्सनल काम में लगे होते हैं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे इनको अपने चाहिए होते हैं, मुझे मैं भी एडिटिंग वगैरह के काम में लगी होती हूँ, जो मुझे भी 1.5-2 घंटे कभी कभी 3 घंटे भी लग जाते हैं, जैसे आज मुझे काफ़ी घंटे लग गए हैं, तो ना इतना तो चाहिए चाहिए होता है। फिर उसके बाद घर के काम शुरू करो, फटाफट खाना ना बनाओ, फिर खाना खाओ, फिर बीच में टाइम मिले तो थोड़ा शॉर्ट भी शूट करना है, रह रहे कि ब्लॉग भी करना है, और फटाफट वो खा के इनको भागना भी है। तो ना जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था, क्या था मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हुआ था कि ये खाना पूरा बना रहे थे, तो इनको ये जम गया कि सुबह खाना मैं ही बनाया करूँगा जब मैं ठीक भी हो गई, तो इन्होंने बोला कि सुबह काम पूरा मैं ही निपटा लिया करूँगा, तुम रात का निपटा लिया करना, क्योंकि मैं प्रॉपरली ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि तभी मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये सुबह का निपटा रहे थे। लेकिन इस वजह से क्या हो रहा था कि इन पर बहुत ज़्यादा लोड आ जा रहा था, कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, फटाफट हम अपने काम में निपटे हुए, काम से जैसे ये तो मैं फ्री हो जा रही हूँ, ये सोच रहा है कि मैं फ्री हो जाऊँगी तो ये जाके कर लेगी, तो मैं फ्री ही नहीं हो पाती थी, बिल्कुल बातें नहीं कर पा रही, बिल्कुल जम रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इस कारण क्या होता था, फटाफट ये खाना बनाने भाग रहे हैं, खाना बनाते बनाते फिर फटाफट शूट शॉट भी शूट करना है, उसको शूट कर रहे हैं, फिर फटाफट नहा धो के खा के भाग रहे हैं, मतलब कि खाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। हाँ, भागम दौड़ हो गया था, ऐसा भी होने लगा था कि कभी कभी टाइम नहीं मिला तो फटाक से एक ही कोई सब्जी बना लिए, तो इससे क्या हो रहा था कि बिल्कुल शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ सा रहा था। तो हम लोग ने फिर डिसाइड किया कि नहीं, कि शाम का खाना मैं बनाऊंगी और शाम को ही हम बढ़िया वैरायटी ऑफ खाना खाएंगे, क्योंकि हम लोग को हेल्दी भी खाना खाना है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वैरायटी ऑफ खाना खाना है, ग्रीन सब्जी वब्जी होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता भी बनाना होता है, क्योंकि नाश्ता भी मैं सुबह सुबह करती हूँ, नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर नाश्ता करके हम लोग दूध दूध पीते हैं, ये सब भी करते, फिर खाना भी बनाओ, फिर खाओ भागो, मतलब इतना काम का लोड बढ़ रहा था हद वाला। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा करते हैं अब बिल्कुल चेंज करते हैं, सुबह नाश्ता वास्ता करके दूध दूध पी के बढ़िया हम लोग अपने काम में अपना लगेंगे, फिर क्या कहते हैं कि बिल्कुल सिंपल खाना खाएंगे। अब मूड के ऊपर है कि रोटी पराठा खाने का मन है, रोटी पराठा सब्जी खाएंगे या चावल सब्जी खाएंगे, जो भी खाना होगा खाएंगे, फिर रात को जब मैं आराम से मैं डिपार्टमेंट लूँगी तो उसमें सारे वेजिटेबल्स सारे वैरायटी के खाने मैं बनाऊँगी, ताकि हम लोग बिल्कुल फ्रीली रह सके, फ्रीली काम कर सके, है ना। तो यही वजह है कि आजकल मैं रात को सारे डिशेज बना रही हूँ, सुबह हम लोग सिंपल खाना खा ले रहे हैं। तो अभी भी काम में लगे हुए मेरे पतिदेव काम करते रहेंगे, मैं जाती हूँ फटाफट खाना लगाती हूँ, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका है, हम लोग दोनों बिजी थे, है ना, तो मैं लगाती हूँ खाना, डाली हटाइए लैपटॉप हटाइए, तो मैं जाऊँ निकलूँ और मैं फटाफट दोस्तों खाना लगाती हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, हम लोग लेट हो गया है काम के चक्कर में, तो फटाफट खाना लगाती हूँ, तो फिर हम मिलते ही रहेंगे आपसे। तो मेरे पति देव जी जा चुके हैं, वो नहा धो के खा के निकल गए हैं, और मैंने भी खाना खा लिया है, पर मैं नहाऊँगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत जुकाम हो गया है, और जिस कारण मैं कल रात भर सो नहीं पाया। मैं दिखा दूँ मेरे बिस्तर की हालत क्या है, अब बिस्तर की हालत इसलिए ऐसा है क्योंकि अभी मैं फिर जाऊँगी सोने, क्योंकि मैं रात को सोई ही नहीं हूँ, मैं पूरा सुबह तक जगती रह गई हूँ, और फिर सुबह सुबह थोड़ा सा रेस्ट किया था, कुछ मिनट के लिए मैंने झपकी लिया, फिर उठ गई थी क्योंकि मुझे काम वाम भी करना था,
तो मेरी नींद भी टूट गई थी और फिर दोबारा मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि सांस नहीं ले पा रही थी। और सुबह सुबह मैंने स्टीम भी लिया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ फिर एक बार और स्टीम ले लेती हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, उसके बाद जाऊँगी सोने की कोशिश करूँगी। नींद आ गई तो बहुत अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं सीधे थोड़ा जाती हूँ सोती हूँ। मेरे पति देव ने भी बोला कि तुम सोने की कोशिश करो, मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा, कॉल और कुछ भी नहीं करूँगा। तुम उठ जाना तो मैसेज करना, जैसा होगा तब तक इन्फॉर्म नहीं करोगे तब तक मैं कॉल नहीं करूँगा। तो मेरे पति देव तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मैं भी जाती हूँ थोड़ा फटाक से स्टीम ले लेती हूँ, फिर आराम करती हूँ, फिर दोस्तों जैसा होता है और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और खाने में भी क्या किया था, रात की ऑलरेडी सब्जी बच गई थी, तो क्या हुआ था कि बस मैंने दाल बना लिया था, मैं दाल खाने का मन कर रहा था, तो दाल फ्राई कर लिया और चावल बना लिया, तो इसी को एंजॉय किया बढ़िया। और इससे भी क्या होता ना कि जैसे रात को सब्जी बच गई तो वो भी काम आ गई, वो वेजिटेबल्स भी खाना हो गया और बढ़िया दाल चावल बन गई, जिससे कि हम लोग का जब टाइमिंग भी वो नहीं होगी, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी टाइम नहीं मिलता है ना। तो अब मैं रात को सोचती हूँ क्या बनाऊँ, रात को कुछ रोटी सब्जी खाएंगे। तो जैसा दोस्तों, तो मैं जाती हूँ आराम करती हूँ, फिर शाम का जो होगा जैसा होगा तो मैं मिलूंगी और बताऊंगी। क्या हुआ है, तुमको पता चल गया पापा आने वाले हैं? ना पापा ने खटखटाया है ना कुछ किया है, तुमको कैसे पता चल जाता है? फोन में तो हम लोग की बात होती है कि हाँ मैं आ रहा हूँ, कुछ लाना तो नहीं है, बस पहुँचने वाला हूँ, तुमको कैसे पता चल जाता है? हाँ कुकी, क्या हुआ क्या हुआ, कौन है, कोई है, कोई है? ओ पापा की आवाज, किसकी आवाज? हाँ कौन है, कौन है? अरे पापा है, अरे बाप रे, आले आले पापा है, पापा है। पहले से इसको पता चल गया था, आप नहीं आए थे ना, पहले से इसको पता चल गया था इसको। ये पल ना मेरा बेस्ट होता था, मैं घर में एंट्री करता हूँ। हाँ इसको पहले से ही पता चल गया था आप आने वाले हैं, मैंने चक्कर काटना शुरू कर दी थी, बैठ के वो करना शुरू कर दी ये थी। ले आ मेरे बच्चे के लिए। ओके ओके, ओ टीवी मेरा ब्रश है, अच्छा हुआ अच्छा हुआ ले आ रहे। अरे अरे ये क्या है, ये क्या, ये क्या है, एक्साइटमेंट में ये क्या हो रहा है? अरे यार इसको खांसी वासी में, खिला दीजिए खिला दीजिए, थोड़ा सा खिला दीजिए, थोड़ा सा खिला दीजिए, पहले मेरे हाथ में धोए आए, खिला दे थोड़ा सा खिला दीजिए ना, ये ज्यादा इच्छुक रहती है बिल्कुल ये। ठीक है बेटा ऐसे। ओहो पापा केला केला खिलाएंगे। हाँ ये गिरा दी पूरा, शाम को मैंने चिकन भी खिलाया है इसको। तो सुबह अच्छा इतना खा ले चावल, तुमने हाँ खा अंडा भी ले, ला के दिया था क्या? बिल्कुल अंडा भी ला के दिया, इसको खाना दे दिया मैंने, इतना खा छोड़ दिया ये। आज सुबह से ये लड़की ना कुछ नहीं खाई थी आज। हाँ लव यू सो मच, आज मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा, गर्मा गर्म चाय बनाई हूँ आपके लिए, फ्राइज भी बनाई हूँ। आज तो बिग बॉस वीकेंड का, वाह आज तो मजा आने वाला है, आपके लिए चाय के साथ फ्राइज भी है, फ्रेंच फ्राइज। ओह माय गॉड, ओ बेसन वाला है? ना 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 आलू वाला लहसुन बेसन लगा के जो नहीं बनाते है, हैं? बेसन लगा के नहीं बना अच्छा है। तुम, हम नहीं थे तो अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बना सकती हाँ ना। इसलिए इसलिए चलिए ठीक है, तो जाने में प्रॉब्लम फेस फटाक से करो। कपड़ा ड्रेस चेंज करिए, मैं आपको चाय लगाती हूँ ठीक है ना। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय एंड फ्राइज। थैंक यू सो मच कि मेरे आने से पहले बना के रखी, वेटिंग पीरियड नहीं था यहाँ पे। हाँ क्या था कि मैं सोची थी आप आएंगे तो बड़ी फ्राइज बना के रखती हूँ, मैंने भी खाया था फ्राइज ठीक है ना, तो मैं सोचा आप आने का टाइम हो गया तो आपके लिए भी बढ़िया फ्राइज बना हेयर देती हूँ। कटिंग और मेरा बहुत जरूरी हो गया है, हाँ हेयर कटिंग कल ले ना कल लीजिएगा सवेरे कल। ले सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, सैटरडे को नहीं ले सकते ना, सैटरडे को चलो काटना संडे सही को नहीं ना है। मॉर्निंग में जाके ले लेंगे। हाँ 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 ठीक है, तो चलिए अपन एंजॉय करिए डार्लिंग, तो फिर मिलते रहेंगे बाद में। तो दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है, ये मेरे पति देव बैठे हैं खाना खाने के लिए, क्या हो गया कि हम लोग शॉर्ट शूट करने लग गए थे, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। और मैं बता दूं कि कल रात को भी मैं सो नहीं पाई हूँ और ये चले गए थे, तो मैं सोची थी थोड़ा आराम करूँगी, तो उसके बाद भी आराम नहीं कर पाई, मुश्किल से 1 घंटा ही सोई हूँ। फिर कुकी ने जगा दिया था, कुकी ने वो किया, तो उसके मैं सोने की कोशिश कर रही थी पर सो नहीं पा रही थी, जिस कारण क्या हुआ कि तो हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, मुझे जुकाम है, पूरा नाक ब्लॉक हो जाता, जैसे मैं लेट रही हूँ ना वैसे नाक ब्लॉक हो जा रहा, पूरी कोशिश कर रही हूँ। शाम को भी मैंने वो स्टीम लिया था, सब कुछ कर रही हूँ, ऐसा गया, हाँ वेरी गुड। सब कुछ कर रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा, जैसे लेट रही हूँ ना ब्लॉक हो जा रहा है ऐसा। एक दो दिन में होगा फायदा,
क्या पता क्या यार, पूरी कोशिश जो जो नहीं ताम झाम, ये करो वो कर लो, ये ऐसा करने से अच्छा होगा, वैसा करने से अच्छा होगा, सब करके मैंने देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, हालत खराब, जिसका आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि कैसे नहाएंगे यार, ऑलरेडी ठंडी है यार, यहाँ बहुत गंदा और ठंडा हवा भी चल लगा है। तो बिना लेट किए मैं खाना लगाती हूँ, क्योंकि हम दोनों भूखे हैं। तो मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने बनाया है। मैंने लगा दी है, बच गया है रोटी, तो रोटी, हाँ सॉरी सॉरी रोटी नहीं, मैंने क्या बनाया है, गर्मा गर्म पराठे। क्या होता है, हम लोग के मूड पे सब डिपेंड होता है कि हम लोग का क्या मन कर रहा है, रोटी पराठा या पूरी, है ना, पूरी। हाँ, और मैं बता दूं, ये बढ़िया पराठा खाने का प्लान था, गर्मा गर्म पराठा, इसलिए मैंने ये बढ़िया आलू गोभी की मस्त वाली सब्जी, आलू गोभी की बढ़िया वाली सब्जी मैंने बनाई, क्योंकि ना ये पराठे का खा के बहुत मजा आता है। और ये करेले की सब्जी मैंने बनाई, वही प्याज और टमाटर वाली, क्या कहते हैं कि करेले को जल्दी खत्म भी करना होता है, ज्यादा देर रहता है तो खराब भी होने लगता है, तो जल्द से जल्द बनाओ। और ये प्लस हम लोग की फेवरेट, हम दोनों की फेवरेट, हम दोनों को बहुत पसंद आता है। तो उन्होंने बोला कल जैसे बनाई थी करेले का सेम वैसा फ्राई करके प्याज टमाटर वाला बना देना। और एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम गोभी बनाओगे, नहीं तो मैंने दोनों बना लिए, मैं सोची कि एक चीज़ खा के ना वो ड्राई, ये वाला ड्राई ड्राई थोड़ा सा है ना, तो कहीं वो ना हो, उसे एक तो लिक्विड सब्जी भी बना दो, तो एक और खा के बताइए डार्लिंग, किसी भी चीज़ से चाहे करेले से खा के देखिए आपको मजा आएगा। हाँ तो करेले से खा के मस्त वाला पराठा, इसको खा के दिखाइए जरा, करेले से बढ़िया, देख सकते हैं बहुत यमी लगता है, बहुत यमी। तुमने रेसिपी शेयर किया इसका कभी? नहीं, एक बार की हो जानू यहाँ बैठ के, ऐसा कैसे शेयर किया होगा, इसमें थोड़ा अब मैंने रेसिपी पे शेयर किया था लेकिन अमचूर नहीं डाला, इसमें मैंने अमचूर भी डाला था, खट्टापन के लिए बहुत यमी लगता है, ऐसा लग रहा है करेले के साथ, मतलब जिसको करेला नहीं पसंद है ना वो भी करेला खाना शुरू कर दे इस रेसिपी को, ये खाना मेरे मुंह में सच बताओ पानी आ रहा है। चेक करेंगे अगर नहीं शेयर किए होंगे तो जरूर आपसे शेयर करेंगे किसी दिन, अगर शेयर किए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग खाना खाते हैं, ऑलरेडी 12:30 बज चुके हैं, क्योंकि हम लोग शॉर्ट शूट कर रहे थे, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाए थे, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाती है कि शूट वो शॉर्ट हम लोग के पास बचता नहीं है, तो थोड़ा सा मैं काम में एक्टिव हुई, तो उन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 12:30 बज गए है ना, एग्जैक्टली 12:30 बज रहे हैं, तो फिर खाते खाते 1 बज जाएंगे है ना, फिर और लेट हो जाएगा, तो मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आप लोग को अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहे। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और मैंने ज़्यादा फुटेज बना भी नहीं है, क्योंकि ये तो थे रहते भी नहीं है, चले जाते हैं, और मैं थोड़ी एक्टिव रहती हूँ, जो कि मैं ये फुटेज वगैरह काम मैं हैंडल करती हूँ, तो मैं बिल्कुल भी मेरी तबीयत सही नहीं थी। तो आई होप कि आप लोग हम लोग को समझते होंगे, हम लोग का सपोर्ट करेंगे, हम लोग को ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, तो मिलते हैं हम कल, बाय बाय, टेक केयर।